पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार का अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान जारी है। इसी के तहत संगरूर जिले में 24 एकड़ पंचायती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। संगरूर जिले में पंजाब सरकार का ये एक्शन है अवैध कब्जे के खिलाफ। ये वो पंचायती जमीन है जो पुरानी सरकारों के समय में अवैध तरीके से कब्जा ली गई थी। अब पंजाब सरकार ने इस 24 एकड़ जमीन को मुक्त करा लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर संगरूर में कस्बा मूनक के पास नवा गांव में 24 एकड़ पंचायती जमीन को मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर खुद मौजूद रहे। साडे लहरे गागा हलके का पिंड नया गाँव, नए गाँव की 24 एकड़ जमीन जिहड़ी लंबे समय तो चलो है साडे भरा ने जिहड़े किसान आ लंबे समय तो कब्जे से मोहदे आ रहे हैं। अज 24 एकड़ का इन्हें आपकी मर्जी ना ये जमीन अज छी आ, जदों अगला सीजन आऊगा यदि खुली बोली करावे, भावें पिंड का कोई भी व्यक्ति ये वध पैसे दे के ले लैन इन्हों मिल जूगी, जे कोई होर व्यक्ति जिहड़ा लेना चाहता वह अगे आके लवे। अगे असी वेखो प्यार नाल हरेक नाल कंप्रोमाइज करते रहे कि जमीना छड्डो। आने वाले समय च होना ही जिहड़ा साडा अगला दौर आ, सानू भावें किसी ना भी धक्केशाही करनी पवे, क्योंकि वेखो ये सरकार दीआं जमीना पंचायत दीआं जमीना सारे पिंड की मालकी आ, ये नहीं भी एक बंदा वाहुंदा वा ते उह मालक बन के बह जाए। अपने इलाके में हुई इस कार्रवाई के लिए लहरा विधायक बरिंदर गोयल ने कैबिनेट मंत्री को धन्यवाद दिया। जेडे लोगों ने जमीना दबिया हुई ने पंचायतों दिया वो पंचायतों के हवाले कर, सरकार हर तरीके जे कोई नहीं हवाले करेगा उन्होंने परचे भी दर्ज किए जाएंगे, उन्होंने कार्रवाई भी की जाऊगी, क्योंकि यह पिंडा का पैसा इस जमीन की जी कमाई है यह पिंड की बेहतरी के लिए लगनी है, पिंड के हर बंदे की बेहतरी के लिए। ये जमीना जिहड़ियां छड़ा के असी पंचायत के अंडर लैके आवेंगे, तो जिहड़ियां जमीना दे विच बोर नहीं हैगे उन्हां जमीना दे विच कनैक्शन लैण लई मुख्यमंत्री साहब नूं अपील करांगे कोई ना कोई पॉलिसी बनाईए, जिहड़ियां पंचायती जमीना दे विच बोर हो जाण ते इन्हां दी जमीना दी सिंचाई होवे, सिंचाई करके किसान इत्थों वधिया इनकम सोर्स पैदा कर सके। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर खुद अलग अलग जिलों में जाकर अवैध कब्जे के खिलाफ इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं। लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस मुहिम के तहत राज्य में अब तक 12,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अवैध कब्जे से छुड़वा कर पंचायतों को सौंपी जा चुकी है। जमीना जिहड़ियां अहीं अज तक छड़ाइयां 12,000 तों प्लस एकड़ जिहड़ी जमीन है पंजाब सरकार दे पंचायत दे रकबे अधीन आ गई आ, आने वाले समय च जिन्नी भी जमीन आ साडी किसी भी भावें कोई असर रसूख वाला भावें कोई पॉलिटिशियन होवे सारियां जमीनां तों जिहड़े आ दखल लवांगे, एक भी एकड़ जमीन जिहड़ी आ किसी दे कब्जे हेठ नहीं रहणी। जिहड़े केस आ कुछ साडे जॉइंट डायरैक्टर दी अदालत च चलदे पए आ, कुछ ADC DDPO दीआं अदालतां च केस लगे आ, इह सारे केस जिहड़े जल्दी निपटा के कुछ मानजोग हाई कोर्ट दे स्टे आ वो थोड़ा जिहा दिक्कत आउंदी आ, वो मानजोग हाई कोर्ट दे विच वी असीं आपदे पेपर पेश करके वो भी स्टे तरावांगे, क्योंकि मालकी ते पंचायत दी आ, शामलाड़ दी आ, पिंड दी आ सारे दी, ते कल्ला दो चार बंदे कब्जे करके बैठे आ, ये कब्जे जिहड़े आउण वाले समय सारे छड़ावांगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। पिछलियां सरकारां च आपां नूं पता ही है कि पिछले जिहड़े मंत्री MLA संतरी इत्थों बीबी रजिंदर कौर भट्ठल जिहड़े साबका मुख्यमंत्री भी रहे आ उन्हां दा हलका आया है, तो उन्हां दे ही संगी साथी आ उन्हां दी शह ते ही ये कब्जे होए आ, पिछलियां ने नुकसान तो बड़ा कराया, जिन्ना नुकसान हो गया नुकसान तो नहीं पूरा हो सकता। हुण पिछले 5 साल जे पैली धक्के ना कोई भी बंदा जिहड़ा वाहुंदा रहा उहदे च इन्हां दा रोल घट आ, वह बीबी रजिंदर कौर भट्ठल का रोल वध आ, क्योंकि इत्थों जिहड़े हुकमरान सन उन्हां दा फर्ज बनता है भी ये जमीना इन्हां नूं समझाउंदे भी ये सारे पिंड की जायदाद आ, पिंड वालिआं नूं भी इहदे पैसिआं दी लोड़ आ, इह पिंड दे विकास ते पैसे लगणे आ, ते इत्थे शह दित्ती जांदी रही भी 10 किले तूं वाला 5 किले तूं वाला, ते इह किसान साडे वीर भोले ने कदी भी आपदी रोटी खाइए ना उही कामयाब हुंदा बंदा, कदी भी कोई शाम लाट जां किसे दी धक्के ना कब्जा कीती पैली ना पूरी नहीं पैंदी, उह चीज़ च बरकत नहीं रहिंदी, आपदी जायदाद भी जिहड़ी है ना उहदी आमदन भी किसे पुठे पासे ते लगदी किसे चंगे पासे ते नहीं लगदी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ने कहा कि पंचायती जमीन ग्राम पंचायत को सौंपकर राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।